स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्या है कि क्वेश्चन क्या है, एकीकृत बाल विकास योजना किस वो लागू की गई थी, यानी कब लागू किया गया था, किस ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी घ नंबर, यानी 1975 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि फलों एवं सब्जियों को पकाने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, एंजाइम को, एंजाइम जो है पकाता है फल को और सब्जी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ चुके पूरी तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। 3 नंबर है, निम्न में से कौन परीक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4 नंबर का बी नंबर, खमीर जो है वो भाग लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि स्तनपान आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी स्तनपान किसके लिए आवश्यक है। तो 5 नंबर का ए नंबर, यानी शिशु तथा माता दोनों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ चुके हैं पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन पर क्या है, गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 6 नंबर का ए नंबर, यानी 300 कैलोरी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है कि प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 7 नंबर का बी नंबर, यानी मूँगफली वो सोयाबीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पूरी तरीके से आ चुके हैं पूरी तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सही क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर, विटामिन सी पाया जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आ चुके पूरी तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 9 नंबर का डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 10 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, यानी एनोमिया की बीमारी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 11 नंबर स्क्रीन पे आ चुकी है, आप लोग देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से क्या है कि नवजात शिशुओं को स्तनपान कब करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 11 नंबर का ए नंबर, यानी जन्म के दिन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ चुके पूरी तरीके से क्या है, विटामिन ए तथा विटामिन डी घुलनशील है किसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 12 नंबर का बी नंबर, यानी वसा में जो है विटामिन ए और विटामिन डी घुलनशील है, घुल जाता है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, शैश अवस्था कितने वर्षों की होती है। तो इसका राइट आंसर की बात, ख नंबर क्या हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, भय क्रोध वो प्यार बच्चे के लक्षण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का डी नंबर, यानी घ नंबर, संवेगात्मक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि इडली पकाई जाती है। तो कैसे पकाई जाती है, उसका नियम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी जल के द्वारा पकाई जाती है, यानी जल से पकाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आ चुके 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का बी नंबर, यानी पूर्व बाल व्यवस्था होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आ चुके पूरी तरीके से क्या है, 17 नंबर, 2 वर्षों की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का ए नंबर, यानी पूर्व बाल व्यवस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि आरामदायक शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 18 नंबर का सी नंबर, यानी हरा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 19 नंबर आ चुके पूरी तरीके से स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है कि कुशन का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर, यानी कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, आ चुके हैं पूरी तरीके से स्क्रीन पे। तो क्या है 20 नंबर, हरी पत्तेदार सब्जी में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 20 नंबर का बी नंबर, यानी फूल गोभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आ चुके 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है कि भारतीय समाज में विवाह है एक, तो क्या है
इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी सामाजिक बंधन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ चुके पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, रोग मुक्त होने से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का डी नंबर यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरीके से क्या देश नंबर, निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 22 नंबर 23 नंबर का सी नंबर यानी कठोर श्रम करने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 24 नंबर क्वेश्चन आ चुके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है कि जंग का धब्बा है, क्या है ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का बी नंबर यानी खनिज धब्बा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 25 नंबर का ए नंबर यानी खड़ी रेखा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आ चुके पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, BCG का टीका किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर का यानी डी नंबर राइट आंसर TB का टीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, तो आ चुके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आपका सही जो जवाब होगा यानी बेरी रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन आ चुके पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है कि उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं, तो क्या करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का सी नंबर यानी आरामदायक वस्तुओं पर। में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ख नंबर बोलना, ये क्रियात्मक विकास नहीं है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, 2 नंबर, उपभोक्ता के अधिकार नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ग नंबर, दुकानों में रेड करवाने का। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, 3वां क्वेश्चन, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा प्यार यानी क नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, 4वां क्वेश्चन, निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा घ नंबर, मिठाइयाँ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी डी नंबर, इनमें से सभी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ए नंबर यानी क नंबर, राष्ट्रीय बचत पत्र। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 7वां क्वेश्चन का, तो ए नंबर यानी रसदार सब्जी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी डी नंबर यानी घ नंबर, क्षय रोग जो है हवा से नहीं फैलता है। दोस्तों अब 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो 9 का सही उत्तर है डी नंबर यानी 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, जल का अणुसूत्र होता है, तो इसका जो सही उत्तर है यानी क नंबर, H2O, ये लगभग सभी को पता रहता है। तो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कृषि उत्पादकों जैसे आटा बेसन मसाले पर निम्न में से किसका चिन्ह रहता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर, एग मार्क का चिन्ह रहता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, WHO का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ए नंबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, धुलाई मशीन से बचत होती है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी 13 नंबर का ए नंबर यानी श्रम और समय की, तो दोस्तों आज समय की काफ़ी कीमती है समय, तो दोस्तों समय बचता है उसमें। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, गर्भाशय में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी बी नंबर, कैल्शियम की कमी हो जाती है गर्भाशय में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, हैजा किसके द्वारा फैलता है, अब दोस्तों 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, यानी इसका सही जो उत्तर होगा विब्रियो द्वारा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई क्या होती है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 16वां क्वेश्चन का यानी ए नंबर 40 सेमी 40 सेंटीमीटर।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। किसान विकास पत्र खरीदते हैं, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है सी नंबर, यानी ग नंबर, डाक खाने से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिरका है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 18 का ए नंबर, यानी अम्लीय पदार्थ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी डी नंबर, घ नंबर, यानी इनमें से सभी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा है, तो दोस्तों 20 का जो सही उत्तर है ए नंबर, यानी कॉफी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, चेक कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर, यानी गौ नंबर, 3 प्रकार के होता है चेक। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी डी नंबर, इनमें से सभी, घ नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, बच्चों की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 23वां क्वेश्चन का सी नंबर, यानी ग नंबर, माता पिता की अनुपस्थिति में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, 2 वर्षों से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 24 का बी नंबर, यानी ख नंबर, बाल्या व्यवस्था अवस्था। अब दोस्तों बाल्य अवस्था कहते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, 25वां, ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर, सॉरी डी नंबर, यानी पानी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है बी नंबर, 26 का, यानी ख नंबर, डायटीशियन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यानी 27 का सी नंबर, पानी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, 28वां क्वेश्चन, ATM का पूरा नाम क्या है।